क्चर ऑफ चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन तो इन द प्रीवियस वॉज द होमवर्क एंड लेट्स इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज तो हमने मीर के लिए जो साइन कन्वेंशन देखा था लेंस के केस में भी सेम ऐसा ही साइन कन्वेंशन होता है उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता बस क्या होता है कि मिरर में जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो होता है पोल और लेंस में जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो है ऑप्टिकल सेंटर है ना तो हमने लेंस में मिरर uh, में क्या बोला था कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं और पोल से राइट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं उसको पॉजिटिव अज्यूम करते हैं तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है ऑप्टिकल सेंटर जो अपना लेंस का मेन सेंटर पार्ट है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले डिस्टेंस हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऐसे इरेक्ट पोजीशन में होता है ठीक है सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हैविंग अ पॉजिटिव हाइट मतलब जो भी हाइट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है तो इतने केस से हमें इतना तो समझ में आना चाहिए कि object distance, object हम ही रखते हैं तो लेंस हो या मिरर हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव ही होगा बच्चा इमेज डिस्टेंस वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है डिपेंड अपॉन द केस ऑब्जेक्ट की हाइट 99% केस में आपके सिलेबस में जितना है उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है शायद ही कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है उसमें ऑब्जेक्ट को नीचे रखा हो पर आज तक ऐसा न्यूमेरिकल टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं आता सो so, आपके केस में ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होगी सो ऑलवेज रिमेंबर दो चीजें तो आपकी यहीं पर क्लियर हो जाती है इफ देर इज अ मीर और लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव बचा इमेज तो इमेज डिस्टेंस कुड बी नेगेटिव कुड बी पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव ठीक है सो दिस इज साइन फॉर द लेंस नाउ लेंस फॉर्मूला द सेम फॉर्मूला हमने मिरर के लिए भी देखा था जिसको हमने मिरर फॉर्मूला बोला था द डिफरेंस इज दैट की मिरर फॉर्मूला था वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बट लेंस के लिए आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू देर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ दिस साइन सो बी अवेयर फॉर इट है ना इसमें आप मिस्टेक मत करना ये नेगेटिव साइन ही आएगी यहाँ पे इफ इट इज मिरल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बट इन द केस ऑफ लेंस वन अपॉन एक्ल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ठीक है ना मैग्निफिकेशन फॉर द लेंसिस देखो मैग्निफिकेशन की एक जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला कॉमन है लेंस हो या मिरर हो ये फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है मैंने लेंस वाले टॉपिक uh, में भी ये सब चीजें बताई थी कि मैग्निफिकेशन की ये जो फॉर्मूला है वो लेंस हो या मिरर हो दोनों के लिए कॉमन है मिरर वाले टॉपिक में मैंने बताया था द डिफरेंस इज फॉर दिस फॉर्मूला ओनली इन द केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन इज माइनस v वी u, बट इन द केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज प्लस v वी u, है ना तो देखो ये फॉर्मूला लेंस हो या मिरर हो दोनों के लिए सेम डिफरेंस आएगा ये वाले फॉर्मूला में मिरर फॉर्मूला में यहां पे माइनस वी बायू होगा पर लेंस वाले केस में यहां पे प्लस v वी u ही रहेगा तो आपको बस एक ये साइन का ध्यान रखना है कि मिरर के केस में यहाँ पे प्लस आएगा बट लेंस के केस में माइनस रहेगा मिरर के केस में, में प्लस रहेगा ठीक है बाकी के फॉर्मूलाज सेम दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से समझो है ना इसको याद रखना है टेक्स्ट बुक में सब पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है उसको आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा के सारे को लाइन लाइन टू पढ़ना मैंने यहाँ पे उसको जो भी उसमें से important, important results, निकलते हैं आप पूछ है, सकते हो ठीक है तो देखो दिस वन इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हम ऑलवेज लेंगे पॉजिटिव ठीक है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेंगे पॉजिटिव कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हम कैसी लेंगे नेगेटिव कॉन्वेक्स की पॉजिटिव कॉन्केव की नेगेटिव ये याद रखना इसको हमें भूलना नहीं है टेक्स्ट बुक में आप थियरी पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने आपको उसका कंक्लूजन करके दे दिया है ये आपको याद रखना है ये आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी यूजफुल होगा अगेन कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव

अब इमेज हमें बोलती है कि टेन सेंटीमीटर पे होगी अब ये हमारा लेंस लेंस है तो हमें ये पता है कि कॉन्केव लेंस में हमें ऑलवेज इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही मिलती है उसके टेबल में भी आपने लिखा था सो याद रखना कि कॉन्केव लेंस कभी भी राइट हैंड साइड पे इमेज नहीं देता वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे ही देता है तो जो भी इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगी इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस टेन लिख दिया है और हमें यू फाइंड करना है तो so हम ये यूज़ करेंगे लेंस माइनस फाइंड करना है ठीक है अब ये देखो ये जो माइनस है हमने पूरा यहाँ पे ले लिया ये माइनस वन बाय फिफ्टीन ये हो गया पूरा माइनस वन बाय टेन ये हो गया माइनस वन बाय `u` को हमने लेफ्ट में लिया और माइनस वन बाई यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो `u` लेफ्ट गया इसलिए पास ये बचा उसका हम अगर एल सी एम पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो फिफ्टीन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस फिफ्टीन प्लस टेन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन बाई फिफ्टीन आंसर आएगा माइनस फाइव बाई वन फिफ्टी सो यू इज इकल टू वन फिफ्टी बाई फाइव और माइनस थर्टी सो यू की वैल्यू हमें माइनस मिली मतलब की यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही होगा तो देखो हमारी फोकल लेंथ है टू एफ एन मतलब ऑब्जेक्ट हमारा टू एफ वन पे है ठीक है यहाँ पे कहीं पे टू एफ वन होगा यहाँ पे कहीं पे टू एफ वन होगा थर्टी सेंटीमीटर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस तो मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है लेंस के में, v U, के केस केस में में प्लस माइनस वी बायू तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू क्या थी माइनस टेन यू की वैल्यू क्या थी माइनस थर्टी माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो मैग्निफिकेशन आया 1 3. तो प्लस वन बाई थ्री ठीक है तो मैग्निफिकेशन प्लस यहाँ पे लिखा वन बाई थ्री मतलब जीरो पॉइंट थ्री थ्री ठीक है पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज इरेक्ट आगे के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि इमेज इमेज प्रॉपर्टीज क्या है अगर sign positive है अगर साइन पॉजिटिव तो ऑलवेज इरेक्ट ही होगी और ये वन बाय थ्री करोगे तो आंसर आएगा पॉइंट थ्री थ्री अब ये वैल्यू वन से कम है सो इफ द वैल्यू इज लेस देन वन द इमेज इज स्मॉलर इन साइज तो इमेज आपकी इरेक्ट होगी स्मॉलर इन साइज होगी और इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है क्योंकि के केस में अगर राइट हैंड साइड होता है तो रियल एंड इनवर्टेड होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था ठीक है ये आपका न्यूमेरिकल हो गया 10.3 पॉइंट थ्री इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी नेक्स्ट एग्जाम्पल टेन पॉइंट फोर A a tall object is placed perpendicular to the principal axis of of convex lens of focal length टू सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेक्टर टू दिंसिपलवेक्समीटर लिख दिया है प्लस टेन सेंटीमीटर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है टू सेंटीमीटर तो मैंने आपको भी बताया था कि ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ही होगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाइट होगी आपकी प्लस सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट देखो अभी फोकल लेंथ है आपकी 10 ठीक है तो 2f1 पूरा डिस्टेंस कितना होगा 20 ये 2f1 तक का डिस्टेंस हो जाएगा 20 मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में कहीं पे है ठीक है तो यहां पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अब लेफ्ट हैंड साइड ही होगा तो मैंने लिख दिया यहां पे माइनस हमें फाइंड क्या करना है नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज पोजिशन ऑफ इमेज मतलब कि कि हमें हमें करना करना है 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 ठीक ठीक तो ये लिख दिया 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 हमको और आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा फोकल ने टेन दी है f1 तक का डिस्टेंस 10 है तो ऑब्वियसली 2f1 तक का डिस्टेंस 20 होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमारा f1 और 2f1 के बीच में यहीं पे कहीं पे होगा चलो तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं वन अपॉन एफ एफ की जगह रखते हैं हमने प्लस टेन वी हमें दिया है वी की वी हमें फाइंड करना है और यू की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस फिफ्टीन तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का और यू का माइनस फिफ्टीन ठीक है अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्टली लिख दिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस वन अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा यहाँ पे जो चलाएगा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो one upon v को subject बनाओगे ये हो जाएगा प्लस और वो जाएगा जाएगा तो तो हो लेन फिफ्टीन ठीक है ये पूरी और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो माइनस तो, तो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया है आप सेल्फ भी अपने लिए एक बार ट्राई करना है ना न्यूमेरिकल तो वैसे भी आपको होमवर्क में एक बार करना है चलो तो ये फॉर्मूला मिला अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा फिफ्टीन यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन तो फिफ्टीन माइनस टेन जाएगा आपका 30. तो यहाँ पे v की मिल हमें प्लस ठीक प्लस मतलब right है और फोकल लेंथ है आपकी टेन तो टू एफ टू कितना होगा ट्वेंटी तो ये हमारा थर्टी मतलब टू एफ टू के भी बियॉन्ड भी बियॉन्ड मिलेगा आपको तो आप इसके लिए टेबल भी यूज कर सकते हैं कि टेबल में जब टेबल देखना कॉनवेक्स लेंस का कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 ये देखना टेबल में लिखा होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज इज बियॉन्ड 2f2 तो देखो ये डायरेक्टली हमको मिल गया ये हमने न्यूमेरिकल से भी प्रूफ किया है तो कुछ चीजें तो आपको आंसर से ही मिल जाएगा आपको कि डायग्राम में इतना पता चल कि ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज 2F2 ही मिलेगी अब 2F2 कितना है तो F and 10 है तो 2F2 20 होगा, तो तो होगा ये हमारी वैल्यू से ज़्यादा ही डाल दो एम इज वी बाई यू ठीक है ना इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आया टू नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन है तो इमेज कैसी होगी इनवर्टेड और ये टू नंबर है वो एक से ज्यादा है तो एनलार्ज होगा तो हमारी इमेज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज ठीक है हमें एक और चीज भी फाइंड करनी है साइज ऑफ इमेज मतलब कि इमेज की हाइट फाइंड करनी है तो M इज इक्वल टू एच आई बाई मैग्निफिकेशन हमने फाइंड कर दिया माइनस टू एच हमें फाइंड करना है एच दिया है टू तो एच हमें मिल गया माइनस तो हाइट ऑफ इमेज माइनस सेंटीमीटर है ना माइनस इंडिकेट्स की इमेज हमारी इनवर्टेड है तो इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होगी नेचर तो नेचर हमारा राइट एंड साइड है तो रियल एंड इनवर्टेड है ना और एनलार्ज तो रियल इनवर्टेड एंड एनलार्ज ये गई हमारी इमेज प्रॉपर्टीज ठीक है तो अब बचा हमारा होमवर्क तो होमवर्क में क्या है एक तो लेंस फॉर्मूला और फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ये दोनों फॉर्मूला आपको फाइव फाइव टाइम्स लिखने हैं ठीक है थीके? जो हमने अभी स्लाइड में लिया था वो एग्जाम्पल टेन पॉइंट थ्री एंड टेन पॉइंट फोर दोनों एग्जाम्पल एक एक बार लिखना है और एडिशन में ये दोनों ये फॉर्मूला पांच बार लिखने हैं दोनों ये एक एक बार न्यूमेरिकल लिखना है और इन एडिशन ये वाला टॉपिक भी आपको लिखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ठीक है ये दोनों को भी आपको फाइव फाइव टाइम्स लिखना है तो क्या है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपको याद रहेगा ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं इफ यू आर हैविंग एनी डाउट थियरी पोर्शन भी पढ़ते रहना कोई भी लाइन में कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन थैंक यू